जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आउ मौसम संजीव कपूर खजाना ते आंजो पाछो स्वागत करिया थी। आज आऊ अलाई कर एकड़ी स्पेशल बर्मीज डिश कनी आवे है, जो नाम है खाउसुए। आई लोग घणे वक्त होटल में सोण्या हुंदा के खाउसुए जकड़ी बड्डी डिश अचे, अने पो विचारियो करे ही की खावा जे, अने मैं अटली मडे चीजू खपे आऊ घरे की बनाईया, पण बहुवत सहली चीज है। 5 मिनट में आजी रेसिपी बनी वंदी, पण इनमें खाली मथे वजे लाइ करे घणे बधी चीजू खपे, अने उ चीजें एड करींदा त ज इनजो स्वाद अचींदो। तो पा चालू करियो इन लाइ करे रेसिपी में आके खपदो थोड़ो चणे जो अटो। पा ही चणे जे अटे के थोड़ो सेके गंदासी, हल्के थी सेकींदासी ताकि एकदम कच्चो इनजो टेस्ट न अचे। पा 2 से 3 चमचा चणे जो अटो थोड़ो रोस्ट करे गंदासी। ही रेसिपी में पा नारियल जे दूध जो वापर करियो था। नारियल जो दूध एकदम अज बर्मी स्पेशल डिश है, अने नारियल जो दूध पा घणे वक्त गरम करियो तो एकदम फाटी वने जो चांस वधारे रहतो, एटले पा इनमें थोड़ो चणे जो अटो वजी छडियो। अने चणे जो अटो एकदम कच्चो वजो न तो इनजो सुगंध पण बहु सारी न अचे, एटले पा थोड़ो लाइट ब्राउन थी वो चणे जो अटो, सरस इनजी अटे की सुगंध हलई वी तडे पा नारियल जे दूध में मिक्स करे गंदासी। पा इनके ही पांजो चणे जो अटो हल्को रोस्ट थिए तो, अने हाणे एकदम कच्चे अटे की सुगंध पण हले वी है। एकदम ज खाली गैस से मिक्स करे गंदासी न तो घणा बदा गठा रही वंदा, तेन लाइ करे सारो है कि पा मिक्सर में इनके थोड़ो फराई गंदासी। पा हाणे चणे जो अटो थोड़ो मिक्सी में वधासी, अने एन साथे पा वजी छड़ींदासी पांजो अकड़ो कप नारियल जो दूध। थोड़ो कन में पानी वजी सको था इनजे अंदर अही बदा थोड़ो लीला मरचे जी पेस्ट, अने स्वाद प्रमाणे मीठो। ही पांजे खाउसुए जो बेस बने तो यहाँ जी ग्रेवी एकदम बेस तैयार हो जाए, अने आके 2 मिनट में अने खाली इनके हल्को तो बॉइल करी लो। आके ही रेसिपी घरे वही ने खाणु मजा अचींदी, अने आके बर्मा सुधी वने जी जरूरत ना इनके खादे लाइ कर। अँ अर्धो खन कप पानी वजी सको था इनमें। ही पांजो आस्ते आस्ते बॉइल थे लायो है, अँ खाली वच्चे वच्चे थोड़ो खलाइंदा रहन जाए इनके। ही पांजी खाउसुए जी ग्रेवी हाँ ऑलमोस्ट तैयार है, अने हल्का हल्का था बबल्स थी था इनते। इनमें पा पांजा मड़े वेजिटेबल्स वजी छड़ींदासी, आंजी मर्जी आके आऊँ जीचियो आके जे खपे से अंदर वजी छड़ियो। अजाऊँ आसा में वजाती थोड़ो कॉर्न, थोड़ी जुकीनी आके जे भाव दू, आंजे छोकरा के मशरूम्स भाव दाऊँ है कडे काके थी है कि अच्छा हवरे सीजन ना है ब्रोकली नती मले तो फणसी वजी छड़ियाँ, आंजी मर्जी आके जे शाक भाजी खपे वजी सको था। घणे वक्त पाके थी है किटी पार्टी है तो पा मड़े भेगा वही ने कि बनाए ने कोई हूँ आराम थी वही ने मड़ी साथे एन्जॉय करियाँ, अने मड़े विचारी कि अरे ही तो बहु रेसिपी बहु कॉमन थे भी है, इडली डोसा ज बनाए वटी के पछी पाव भाजी ज बनाए थी। ही एकदम अकड़ी नवी डिश हुंदी जी आंजा मड़े फ्रेंड्स अचींदा इनकी एटली मजा अचींदी ने नेरींदा रही वंदा कि ओहो बर्मा जी डिश ही गनी आया मुलाय करे वेरी नाइस। अने मणी अब मजेदार बात यह है कि अँ अकड़ी वक्त इनकी ग्रेवी बनाए ने रेडी रखी रहता तो जैके जे खपे मड़े एडिशन करे अने पंजी डिश पंजी रीते पर्सनलाइज करने बनाए सकें था। आवा के जल्दी थी देखाड़ियाँ थी कैडे थी इनके अना 2 से 5 मिनट अँ उकारे लाइ डींदासी। पांजी ग्रेवी रेडी आए, अने आके सर्व कर दे वक्त खाली आके अकड़ो चमचो ही ग्रेवी वजे जी है, अने बाकी आंजा मड़े फ्रेंड्स जे जे मजा करे ला आया आंजे घरे से मड़े डिसाइड करींदा कि इन मथे एनी के कोरो कोरो खपे तो। बेसिकली इनमें जैके भात भाव दो अँ राइस वजें था, जैके नूडल्स भावे से नूडल्स वजें, आज हूँ आखे नूडल्स साथ वेरिएशन देखाड़ियाँ थी। पा अड़ी रीते नूडल्स वजी छड़ींदासी मथे यानी के पूछी सको था, अमुक जणा चवंदा के असाके कच्चा कांदा गमे था नता भावे, तो ही इन प्रमाणे थोड़ा कांदा वजी छड़ियो, थोड़ा लीला कांदा, अने टॉपिंग लाइ करे थोड़ो क्रंची अचे इन लाइ करे फ्लेवर लाइ करे फ्राइड अनियन्स मथे नू फ्राइड नूडल्स, थोड़ा सा सींग है। सींग बर्मीज डिश में ऑलवेज बहुज पेन नारियल अने सींग ई लोको जी खासियत है, पण पाके मड़ी के कांदा ने लसण जी आदत हुए एटले पा थोड़ो कांदा अने लसण वजो एटले पाके टेस्ट ऑलरेडी भावे। आके लगदो के नवी डिश है खबर ना मड़ी के भावे नहीं भावे आउ ट्राय करियां के नहीं करियां, बट आउ अकड़ी गैरंटी दियां थी कि अँ जे ट्राय करींदा ना तो आंजी मड़े फ्रेंड्स
આકે પૂછેલા ચીનુ કે હી રેસીપી તું કેડાનું ટ્રાય કે મૂકે પણ દેખાડ એની કે તીખો ભાવ દો હોય ત્યાં થોડોક લાલ મરચો પણ વજી શકો તા મથે અથવા તો ચીલી ફ્લેક્સ આવું અંડા રખાય મરી ગમતી હોય તો મરી લીંબુ ઉપરનું નીચોડીંદા તો લીંબુ જો પણ સ્વાદ બહુ જ સરસ હચીનો આજે ડિશ નેર્યો કેટલી સરસ લાગે હતી કલરફુલ એકદમ જ કલરફુલ તો ટ્રાય કરીને જરૂર અસા કે લાઈક શેર ઓર કમેન્ટ ઓન ધીસ થેન્ક યુ